मवेशी मंडी से, मवेशी मंडी से ढूंढ के लाया हूँ, ढूंढ के लाया हूँ मवेशी मंडी से ढूंढ के लाया हूँ प्यारा जानवर। कुर्बानी 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 मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल। बकरा ईद पे, बकरा ईद पे कुर्बानी इब्राहिम सुन्ना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काजी मुदस्सिर और आप देख रहे हैं टाउनशिप पेज ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मवेशी मंडी कानानो। यहां पर हम लोगों से बात करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे और ख़रीदारों से बात करेंगे। वो इस आजकल जो जानवर का रेट चल रहा है और लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से मंडी में क्या हिफाजती इकदाम किए गए हैं, इंतज़ामिया क्या कहती है, इस हवाले से हम बात करेंगे उनसे। यहाँ पे हमारा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कैंप लगाने का मकसद ये है कि दूर दराज से जो लोग आते हैं उनमें जो एनिमल बीमार हो जाता है या किसी भी किस्म का उसको ज़ख्म वगैरह बन जाता है या कोई भी जानवर के साथ मसल फटीग आ जाती है, किसी भी किस्म का मसला जो व्यापारी हजरात महसूस करते हैं अपने जानवर के साथ, उनको हम बिल्कुल फ्री अद्वियात जो है वो मुहैया करते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। ज़्यादा मसला यहाँ पे फीवर का आ रहा है गर्मी की वजह से। इसके अलावा ज़्यादा जो है जानवर जो बाहर से आता है उसको मसल फटीग हो जाती है, उठने बैठने का मसला, चलने फिरने का, तो वो जो भी व्यापारी हजरात लेके आते हैं उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से जो लगाया गया जो अद्वियात लाइफ स्टॉक आपको मुहैया कर रहे हैं, महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से हर किस्म की जो सहूलत मुहैया की जा रही है, मेडिसिन वगैरह सारी जो है वो हमें मुहैया की जा रही है। अच्छा, हम पीछे देख रहे हैं कि कुर्बानी के लिए मादा जानवर खरीदने से कबल मुफ्त हमल टेस्ट करवाएं, इसकी क्या बैकग्राउंड है? मुफ्त हमल टेस्ट ये है कि हमारे क्योंकि कुर्बानी का जानवर जो है वो फीमेल गाय या भैंस वगैरह भी इस्तेमाल होती है, तो जो भी व्यापारी हजरात पहले तो टेस्ट करवा के आते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा कहे कि यहाँ पे हमने दोबारा हमल टेस्ट करवाना है तो उसको हम हमल टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब यहाँ पर जो फ्रॉड के यहाँ पर जो इस जरा सा भी जो रह जाता है बात रह जाती है कि खुदा न खास्ता उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए इस हवाले से, क्योंकि हम जो हमला जानवर उसकी कुर्बानी नहीं होती, तो इस हवाले से आप ये लोगों को फ्री हमल टेस्ट करके दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल फ्री हमल टेस्ट, किसी भी जगह पे मंडी में किसी भी जगह पे जो एनिमल जो फीमेल आए वो यहाँ पे व्यापारी हजरात जो है वो आ रहे हैं, वो अपना नंबर लिखवाते हैं और वो उनको फ्री टेस्ट हम करके देते हैं। जी नाज़रीन, ये भाई ने बताया हमें कि हम यहाँ पर जानवरों के फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर उनका इलाज कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई फिजिकल फटीक हो जाती है, उनको कोई बीमारी उनको लाक हो जाती है, तो उस हवाले से वो यहाँ पर महकमा लाइफ स्टॉक और जो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कैंप लगाया गया है और वो यहाँ पर जानवरों का इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक और कैंप है यहाँ पर रेस्क्यू 112, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर उनका क्या रोल है इस मंडी में एमरजेंसी की सूरत में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 112 यहाँ पर रेस्क्यू की हमने देखी है कि यहाँ पर रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौजूद है इस मंडी में, रेस्क्यू टीम का सर आप किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं एमरजेंसी में? सर यहाँ पे हमें कॉल भी आती है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं और डायरेक्ट एमरजेंसी भी आती है, कोई यहाँ पे कोई भाई जानवर लेके आए अगर उतारते वक्त उनको चोट लग जाए, कोई जख्मी हो जाए तो हम उनको फुल फैसिलिटी देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, अब तक आप जब से ये मंडी लगी है अब तक आप कितने पेशेंट को ट्रीट कर सके हैं, एंटरटेन कर चुके हैं? कम से कम हम एक दिन में चार पाँच रोज़ करके जाते हैं यहाँ से, यहाँ पर एमरजेंसी करके जाते हैं, ट्रीटमेंट करके जाते हैं यहाँ पे। हमारी यहाँ पे दो शिफ्टें होती है, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग, तो मॉर्निंग वो सुबह 7 बजे यहाँ पे आ जाती है और जो इवनिंग है तो वो 2 बजे यहाँ पे आ जाती है। अब जब से मंडी लगी है कोई स्वेयर केस तो नहीं आया? नहीं, यहाँ कोई स्वेयर केस नहीं आया। स्वेयर केस नहीं। जी नाज़रीन, यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि जानवरों के इलाज मुआवजा के लिए यहाँ पर टीम महकमा लाइफ स्टॉक की मौजूद है, इसी तरह खुदा न खास्ता यहाँ पर व्यापारी यहाँ पर आते हैं, ख़रीदार आते हैं, उनको खुदा न खास्ता कोई चोट वगैरह लगती है एमरजेंसी की सूरत में 112 के रेस्क्यू के अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और ये यहाँ पर हमतन मसरूफ़ हैं अपनी जो ड्यूटीज़ में और खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी होती है तो वो लोगों की मदद के लिए यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर मौजूद हैं। जी नाज़रीन, हम यहाँ पर मौजूद हैं एक खूबसूरत जानवर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसका नाम बबलू है और यहाँ पर एक व्यापारी भी मौजूद हैं और एक ख़रीदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इनका ये सौदा हो पाया है या नहीं हो पाया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका नाम?
मोहम्मद काज नाम है। मोहम्मद काज। काज भाई आप कहाँ से आए हैं पहले? मैं सेंट्रल पार्क से आया हूँ। सेंट्रल पार्क से। ये आपको जानवर, ये बबलू इसका नाम है, आपको पसंद आया है तो आपका सौदा तय पा गया है? ये इस मंडी का सबसे बड़ा जानवर है, मुझे यही पसंद आया और इसके साथ सौदा हो गया हमारा। अच्छा, सौदा हो गया। ये कितने में आपने खरीदा? ये 2.5 लाख में खरीदा है, 5 मांग रहा था इसका, 5 लाख मांग रहा था। अच्छा, 5 लाख मांग रहे थे और आपने 2.5 लाख का सौदा कर लिया है। हाँ जी। तो आप इससे मुतमैन हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या वजह इतना ये आपने इस वाइट कलर का जानवर लिया है, क्या वजह आपने ये खरीदा? क्योंकि ये ब्यूटी देखनी होती है कुर्बानी में। ठीक है, इसलिए फिर प्यारी चीज। जी अस्सलाम वालेकुम, ये आपका जानवर है जी? जी। ये आप कहाँ से लेके आए हैं? जी नाजीन से बात करते हैं, ये जानवर आपका घर का पला हुआ है? जी सर। इसकी ताकत का राज बताएं जरा, इसकी जो परवरिश की है, ताकत तो कभी नहीं आजमाई इसकी, बहुत ताकत है माशाल्लाह। कब से आपके साथ है ये? मेरे साथ तकरीबन कुछ 6 महीने हो गए हैं। 6 माह गांव से लाया था मामा के साथ। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि आप इसके साथ, आप 6 माह इसके साथ रहे हैं, एक जानवर के साथ उनसियत हो जाती है, प्यार हो जाता है, अब ये आपने बेच दिया है तो कोई फील हो रहा है ऐसे दुख? हाँ जी, घबराहट हो रही है, बाकी अल्लाह के राह पे जाना था, हमें भी खुशी है, अगलों को भी खुशी है। आप मुतमैन है 2.5 लाख में? जी नाजीन, ये खूबसूरत जानवर, इसका नाम मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि ये खूबसूरत जानवर, इसको बबलू का नाम दिया गया है, मंडी का ये खूबसूरत जानवर है और यहाँ पर ये इसका सौदा 5 लाख इसकी डिमांड थी और 2.5 लाख रुपये में यहाँ पर फरोख्त हुआ है आधी कीमत पर, और ये व्यापारी भी यहाँ पर जो फरोख्त कुनंद है वो भी मुतमैन है और जो ख़रीदार हैं वो तो खुशी से निहाल हैं, कितना खूबसूरत जानवर ये इन्होंने यहाँ से ख़रीदा है। जी नाजीन, हम मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की एक टाइगर फोर्स, आपने नाम सुना होगा, वो वर्क कर रही है यहाँ पर, इनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर मंडी में क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली टाइगर फोर्स की जो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपका काम जो वॉलेंटियरली कर रहे हैं वो क्या है बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की टाइगर फोर्स का काम असल में यह है कि मंडी की जो SOPs बनाई गई हैं उन पर अमल दरामद कराना। मंडी में औरतों का, बच्चों का और बुज़ुर्गों का आना मना किया गया है और मास्क और ग्लव्स के बगैर दाखिला पर पाबंदी है। हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, प्यार और मोहब्बत से समझा रहे हैं, कुछ लोग तो मान रहे हैं लेकिन अभी कुछ लोग नहीं मान रहे, उनको भी इंशाल्लाह हम। सर टाइगर फोर्स कितने आपके साथ वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं आप? नहीं 24 घंटे नहीं है, ये 7 बजे तक का टाइम है और अभी थोड़ा सा टाइम बढ़ाया है। आपके सर कितने वॉलंटियर्स आपके साथ टीम में हैं? अभी इस मंडी में तकरीबन 3 है, हर मंडी में तकरीबन 3-4 हमारे वॉलंटियर मौजूद। लोग तावन करते हैं आपके साथ? बस कुछ करते हैं और कुछ नहीं भी करते। तो अगर ना करें तो फिर आप क्या करते हैं, इंतजामिया को शिकायत करते हैं? नहीं, हमारे PCM है राना अरसाल साहब, हम उनको वीडियो उनकी अपलोड करते हैं और उनको चलान करवाते हैं, लेकिन अभी तक हमारे जो PCM हैं वो हमसे रब्ता नहीं कर रहे, वॉलंटियर के साथ तावन नहीं कर रहे। उनसे हम दरख्वास्त करेंगे आपके चैनल के ज़रिए कि वो अपना काम जो आपको हुकूमत ने दिया है उस पर अमल करें। जी नाजीन, हम यहाँ पर मौजूद हैं काना नौ मवेशी मंडी में और यहाँ पर हम कुछ ख़रीदार हैं, यहाँ पर उनसे बात करते हैं कि वो महंगाई के हवाले से, जानवरों की कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं जी? मैं इधर चुंगी उमर सुदू लाहौर से। चुंगी उमर सुदू, आप यहाँ पर आए हैं मंडी में तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं महंगाई की? मंडी में हम 3 दिन हो गए लगातार आ रहे हैं लेकिन मंडी का हमें कोई समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ आ रही? समझ इसलिए नहीं, जो व्यापारी हैं ये चाहते हैं कि सारा ही ना हम 1 महीने में या 10 दिन में सब कुछ इकट्ठा कर लें, लेकिन हम चाहते हैं, हम कुर्बानी हम हर साल लेते रहे हैं 25,000-30,000, इस वक्त जो छोटे से छोटा जानवर भी है ना वो भी 50,000-60,000 के, बहस करने का भी मौका नहीं है इधर कि कोई बहस कर ले। नहीं, आप ये समझते हैं कि जो बकरों की जो हालत है दिखने में जैसे बकरे लगते हैं उतनी कीमत नहीं है, बहुत ज़्यादा कीमत बता रहे हैं? कीमत तो हम सही, हम अपनी तरफ से उनके हिसाब से भी सही लगा रहे हैं कि यार ये जो इतनी दूर से आए हैं, बकरा जो 18-19 हज़ार का है ना, छोटा देख रहे हैं कि अपने हिसाब से वो उसका मांग रहे हैं 35,000-40,000-45,000, तो इतने का हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम 3 दिन से बस ऐसे फेटूर के चले जाते हैं। तो अब क्या है इरादा कि आपका आज लेने की कोशिश दोबारा करेंगे? तो ये हम पैसे लेके आए हैं, किसी से हमारा सौदा हो जाए, अगर नहीं होगा तो वापस चले जाएंगे, इस दफ़ा नहीं कुर्बानी करेंगे। जी नाजीन, यहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जो लोग जानवर यहाँ ख़रीदने के लिए आते हैं, महंगाई की वजह से जानवरों के रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, व्यापारियों के साथ उनकी इस बात पे टाई अप नहीं हो रहा कि कीमत तय नहीं हो रही, और इस हवाले से वो यही कह रहे हैं कि अगर हमें जानवर इस कीमत में हमारी
जो मुनासिब कीमत में हमें नहीं मिलेंगे तो हम इस साल कुर्बानी नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से मंडी में जो रेट के हवाले से लोगों की शिकायत हैं, इस हवाले से क्या करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं? जिला रहीम यार खान से। रहीम यार खान से। कितने आपके जानवर आप साथ लाए हैं? जानवर लाए हैं कि 30 जानवर, बकरे। बकरे। और बकरे लोग यहाँ शिकायत कर रहे हैं कि कीमत आप उनकी डबल बता रहे हैं। भाई डबल तो मसला है, 20 साल सू 50 साल हो गए कारोबार है, जैसे 50,000 की मंडी आंदन 25,000, उत्थे अस कितने कर जाइए, पिछले खर्चा बड़ा है, इत 2,000-2,500 का डेली सू खर्चा पाता पे, एक गल है उसे माल की लगे। अच्छा, मंडी में आपको जानवर यहाँ पर लगाने के लिए जो आपने स्टॉल लगाया हुआ है अपना यहाँ पर, इसके भी आपने मंडी इंतजामियों को पैसे दिए हैं? नहीं नहीं भाई, कोई पैसा। अच्छा, मंडी इंतजामिया ने कोई पैसे नहीं लिए? आप क्या समझते हैं कि आप ये इस बार रेट इतने ज्यादा क्यों हुए हैं? रेट पीछे मांग है, खर्चा बहुत है, की करिए, मजबूरी है महंगाई की वजह। जी नाज़रीन, ये इनकी शिकायत है कि महंगाई में काफ़ी ज़्यादा इनके खराजात हैं, डेली का 2-3 हज़ार रुपये का इनका यहाँ पर मंडी का खर्चा है, इस वजह से जानवरों की कीमतें इस वजह से इंक्रीज़ हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर लोगों की, हमारे साथ एक मौजूद है भाई, उन्होंने शिकायत की कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेट है, और जो व्यापारी हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर काफ़ी हमें अखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं, इस वजह से हम यहाँ पर इनके रेट ज़्यादा हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर ये इनका इस बकरे का सौदा हो जाए और ये ख़रीदार जो हैं ये बकरा लेके जाएं और इनको जो उनकी मुनासिब कीमत इनको मिल सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जी बकरा बताएं, ये कितने का आपने सेल करना है? 45,000 का। जी भाई, आप क्या कहते हैं ये 45,000 रुपये का बकरा? इसमें इससे पूछे 45,000 वाला क्या है? जी बताएं जी, इसमें 45,000 वाला क्या है? क्या खास बात है कि ये 45,000 रुपए में? 2,000 कम दे दो भाई। जी भाई, 2,043 का हो गया, आप क्या कहते हैं? आपने कितने देने हैं? फाइनल मैं इसको 23,500 रुपया दे दूंगा। 23,500। जी ये तो तकरीबन आधो आध का फर्क है, आप कुछ मजीद कम करें, हम इधर भी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये यार सानू नुकसान आता है, की करिए, थोड़ा सा कम कर दें और चलो 2,000 और कम कर दो। 41 आ गया जी, आप भी कुछ कीमत बढ़ाएं। जी मेरे हिसाब ना तो इतने का ही है, इसमें कौन सा ये नुकसान है सर, कौन सा? आप अगर बकरा लेने आए हैं वापस भी ले जाते हैं, इनका इतने का ही बेचना है, बेचना है तो ये उन्होंने 41 कर दिया है, 2,000 और मजीद कम कर दिया, आप कुछ बढ़ाएं। और ये आपको बकरा खूबसूरत है माशाल्लाह, और इसमें गोश्त भी ज्यादा इंशाल्लाह निकलेगा, आप बताएं कि आपको मजीद इसमें कीमत बढ़ाएंगे? हम इसका फाइनल 25,000 रुपया करते हैं। जी 25,000। नाज़रीन, अभी इन्होंने 1,500 यहाँ पर बढ़ाया है और अंकल जी ने 4,000 इसका कीमत कम कर दी है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है। जी वो 25,000 कह रहे हैं भाई, फाइनल लाए जाते तो 40,000 लाए जाते, इस तो घाट नहीं देना। जी आप क्या कहेंगे, आप कुछ अगर लेने आए हैं तो बताएं, आपको सौदा करवा देते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं 3 दिन से इधर चक्कर लगा रहा हूँ, ये पैसे इतने ही मांग रहे हैं, लेकिन इतने की चीज है नहीं, हम ये एक दफा नहीं लेने आए। आप कितने फाइनल दे देंगे? मैं इसको फाइनल जो दे दूंगा 27,000 रुपया दे दूंगा। 27,000। जी नाज़रीन, ये 27 तक बात पहुंची है, उन्होंने 40,000 45 से 40,000 पर आए हैं और ये भाई 23,000 से 27,000 पे हैं, 4,000 दोनों ने, एक भाई साहब ने जो व्यापारी है उन्होंने 5,000 कम किया है और जो ख़रीदार हैं उन्होंने 4,000 कीमत इसकी बढ़ाई है। हम कोशिश करते हैं कि जी आप भी कुछ मजीद कर लें, यहाँ पर सौदा हो जाए आपका। यार साढ़े नुकसान आता है। अच्छा, हम कोशिश करते हैं बकरे से पूछ लेते हैं, बकरा इस वाले से क्या कर। जी आप क्या कहेंगे? जी नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि जी इसमें 40,000 का ही जो मेरे व्यापारी ने, मेरे मालिक ने इस टाइम जो रेट लगाया वो ठीक है, इसमें हम इनसे बात करते हैं। जी आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ महंगाई इन्ना कल्याण थोड़ी साढ़े लिए भी तो है ना, मतलब कि कुर्बानी का जानवर है, जिन्हें दी है चीज़ उन्हें गुजार दो। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, महंगाई का दौर है, लेकिन उनका भी वो प्रदेश से आए हैं, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आप कुछ कीमत बढ़ाएं और ये सौदा तय हो। फाइनल फाइनल 28,000 रुपया दे देंगे। जी 28,000 रुपये में ये भाई। जी आप क्या कुछ मजीद को कम नीचे करेंगे? आप कुछ देख लें, आप ये खरीदारी यहाँ पर खरीदार लेने आए हैं तो आप कुछ मजीद कम करें, आपका सौदा हो जाए। 1,000 और कम देगा, 39,000 ला जाए। 39,000। जी नाज़रीन, यहाँ पर मुकाबला सख्त है, 1,000 उधर से बढ़ रहा है, 1,000 इधर से कम हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर इनका सौदा हो जाए। जी नाज़रीन, ये बकरा भी काफ़ी माशाल्लाह सेहतमंद लग रहा है, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप इसमें हमारी रिक्वेस्ट पे, ये भाई खरीदने के लिए आए हैं तो हमारी रिक्वेस्ट पे इसमें मजीद को कमी कर दें, 1,000-2,000-3,000 मजीद छोड़ दें। नुकसान जी भाई। जी भाई आप क्या कहेंगे? वो तो भाई जान ये फिर नहीं बेचना चाहते तो फिर इनकी मर्जी, हम तो इनको बहुत मजबूर है, हो सकता है इनको महंगाई ज्यादा ही इनके लिए आ गई हो। आप अगर बताएं कि अगर हम आपकी तरफ से कोई अगर मजीद ये कोशिश करें, इनसे कोशिश करते हैं, आप भी कुछ बनाएं, हम भी कुछ उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, देख लें आपको जो मुनासिब लगता है ना इससे बात कर लें। जी नाज़रीन, ये खरीदार जो है भाई साहब, इन्होंने हमें कहा है कि यहाँ पर
ये आप रेड लगा दें, तो हम भी कोशिश करते हैं ये बुजुर्गों को मनाने की, और इनके हम भी हमारी कोशिश है कि इनका नुकसान ना हो और ये सौदा यहाँ पर तय पाए। आप कुछ मजीद कम कर दें अगर मेहरबानी। नुकसान होता है भाई, कितना और मजीद कम कर देंगे, हम उनको भी मनाने की कोशिश करते हैं। यार नुकसान होता है, बहरहाल तुम आगे 500 छाट सकते हैं जी नाजीन, 500 मजीद कम हो गया, मैं 200 और बता दें जी नाजीन, ये 500 और 200 तक बात पहुंच चुकी है, और यहाँ पर लग रहा है कि ये सौदा तय नहीं पाना क्योंकि डिफरेंस काफी ज्यादा है। मेरे ख्याल से मैंने इसका मुनासिब 30,000 रुपया बहुत ज्यादा रेट है इसका जी, 30,000 रुपया जी इसका हो गया, 30,000 रुपया, 30,000 रुपये जी, 30,000 आप कह दें 38,000, 8,000 का फर्क है, कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं। नहीं भाई लाख रुपया भी मांगे, हम ये थोड़ी कह देना भी इसका 50 ले लो 30 ले, ये जो चीज है इसका मुनासिब जो रेट चल रहा है वो ले, इसको चीज दे, इतनी दूर से है तो ठीक है, अगर नहीं समझ तो चले जी नाज़रीन। ये यहाँ पर यहाँ काफी बहसो मुबहसा जारी है, यहाँ पर इनका कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सौदा नहीं होना, लेकिन हम कोशिश करेंगे, अगर हम इन दोनों की इजाज़त से हम ये कोशिश करते हैं कि इसका मुनासिब रेट लगे, हम इसका अगर आपको 34,000 रुपये दें तो आपको कबूल होगा? नहीं भाई, मैं करांगे अगले साल ऐसे ही माल नहीं लाया मांगे, बस माल नहीं पालांगे, इन्हें नुकसान नहीं करांगे। नहीं भाई जी, माल हो गया, सौदा हो गया, हो गया, गई है यार, गई है काम में, गई है इमरान का, गई है। ये आप दोनों की इजाजत से मैंने रेट लगाया, अब वो भाई मान गए हैं, कहते हैं जी हम तैयार हैं, बिस्मिल्लाह भाई फड़ो, जितने लोग खड़े हुए मेहरबानी जी नाजीन, हमने यहाँ कोशिश की है यहाँ पर एक सौदा हो जाए, यहाँ पर व्यापारी यहाँ पर मौजूद थे, खरीदार मौजूद है, और 34,000 रुपए इस बकरे का हमने लगाया टाउनशिप फेसबुक पेज इंतजामिया ने, ये बकरा देख सकते हैं काफी माशाल्लाह सेहतमंद है, लेकिन मुनासिब पैसे जो हैं वो भाई ये 38,000 में ये अंकल जी दे रहे हैं, लेकिन ये 34,000 हमने इनके बिहाफ पे कहा, लेकिन वो इस पे तैयार नहीं है। हमारी दुआ है कि ये सौदा हमारे जाने के बाद इंशाल्लाह इनका तय हो जाए और ये बकरा इनको मिल जाए। इस तरह के प्रोग्राम लेके नाज़रीन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।